सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं हॉलीवुड का जो लाइव टेस्ट आया हुआ है 10 और 11 फरवरी को जो लाइव रहेगा उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने पहले ये टेस्ट नहीं लगाया तो पहले जाके टेस्ट लगा ले, फिर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आवे या जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उस क्वेश्चन का आप आके सोल्यूशन यहाँ देख सकते हो। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन विथ 12 साइड, मतलब 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज का अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n है 12, 12 में से 2 गया 10 गुना 180, मतलब 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये है दूसरा ये है, और एक्स वाई का वैल्यू पूछा है। तो पहले इक्वेशन में हम लोग इस टर्म को है ना बराबर के लेफ्ट साइड भेजते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, रूट थ्री एक्स अपॉन रूट वाई माइनस रूट वाई अपॉन रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 8/3। एलसीएम अगर लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 3x और ये हो जाएगा ऊपर y, नीचे आ जाएगा एलसीएम रूट 3xy बराबर 8/3। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से रूट हट जाए इसीलिए। ठीक है, स्क्वायरिंग हमने कर दिया। स्क्वायरिंग करने पे देखो हम लोगों एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, या हम लोग जानते भी होंगे, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना आप लोग इसे। तो यहाँ पे मैं ऊपर में वही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन नीचे 3xy है ही इज इक्वल टू 64/9। देखो ये 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, ये 3x plus y का वैल्यू कितना दिया, 3x plus y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40। तो यहाँ अगर मैं 40 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 12xy अपॉन xy इज इक्वल टू 64/3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 3 को इधर भेजता हूँ। 3 को अगर मैं इधर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 12 दिया 36xy। क्लियर है। अब एक्स वाई को दोनों से अलग अलग डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 4800/xy माइनस 36 बराबर 64। 36 को राइट साइड में देंगे, 34 और 36 जुड़ के कितना हो जाएगा 100। इसको काट दो, फिर 100 के दो जीरो से इस दो जीरो को काट देंगे तो यहाँ बच गया एक्स वाई बराबर 48। क्लियर है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल दिया हुआ है हम लोग को, ए बी सी। ये छोटा ए बी क्या होता है, ये एंगल ए के सामने का जो साइड होता है ना वो ए होता है, ये बी होता है, और इसे हम छोटी सी लिखते हैं। ठीक है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 4, मतलब ये साइड हमें दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है हमें 4√3, और एंगल बी दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें पूछा क्या है, एंगल सी, इसको थीटा मान लो। तो यहाँ पे हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल वैसे फॉर्मूला होता है ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी बराबर 2r होता है या r होता है, सब कुछ ये r होता है सर्कम रेडियस। ठीक है, अब इसे देख लेने एक बार। तो यहाँ देखो a का वैल्यू नहीं मालूम है तो हम लोग इसको उठा लेंगे। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4√3 बाय साइन बी, साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट थ्री बाय टू, टू ऊपर चले जाएगा, राइट। बराबर सी कितना है 4, साइन सी तो निकालना ही है तो उसको थीटा मान लेते हैं हम लोग। रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, इधर बच गया 1। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, साइन को ऊपर भेजेंगे 2 को इधर भेजो तो साइन थीटा बराबर हो गया हमारा 1/2। कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। इन ए कॉलेज देर आर टोटल 2800 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज 5:2। ठीक है, देखो 2800 पहले टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है 5:2, तो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 यूनिट हो गया। 7 यूनिट का वैल्यू 2800, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 5 यूनिट का वैल्यू 2000। तो बॉयज जो होंगे वो हो जाएंगे 2000 एंड गर्ल्स जो होंगी वो हो जाएंगी 800। यहाँ तक क्लियर है। इफ 60% स्टूडेंट्स रिसीव ए स्कॉलरशिप, 60% मतलब 2800 का 60% मतलब कितना हो गया, 6 से 6/10, 6 से गुना करो इसको 0, 8 के 48 के 8, बाकी 4, 14 बार 4 16। टोटल इसमें से
1680 बच्चे को क्या मिला, स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है, स्कॉलरशिप मैं लिख देता हूँ। एंड 30% ऑफ द टोटल फीमेल स्टूडेंट्स रिसीव स्कॉलरशिप, गर्ल्स का 30%, 8 + 24, मतलब इसमें 240 को स्कॉलरशिप मिला, ठीक है। तो पूछा क्या, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु रिसीव स्कॉलरशिप। अब देखो इतना को स्कॉलरशिप मिला है, उसमें गर्ल्स 240 थी जिसको स्कॉलरशिप मिला, तो बचे हुए कौन से होंगे, बॉय होंगे जिसको स्कॉलरशिप मिला। तो 240, 1680 में से 240 घटा दो, 0, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 1440 ऐसे बॉयज है जिसे स्कॉलरशिप मिला है। तो यहाँ वही पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस को तो माइनस करना है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु रिसीव स्कॉलरशिप 1440 एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु डिड नॉट रिसीव स्कॉलरशिप। तो 800 में से 240 तो रिसीव किया है, तो नहीं कितना किया है, घटा दो 0, 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 560 ऐसी लड़कियां हैं जिसे स्कॉलरशिप नहीं मिला, इसी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। 14 में 6 गया 8 और 13 में से 5 गया 8, 880, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। अ कोन शेप्ड कैप हैज अ स्लेंट हाइट 20, स्लेंट हाइट 20 दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया का, ठीक है, ये एरिया आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, और 15 रुपए के खर्च से कर रहे हैं, तो टोटल खर्च निकालने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसी का वैल्यू आप लोग को निकालना है, आर हो गया 9 और एल हो गया 20, इसे मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा है, तो साइन ए माइनस बी होता है इसका फॉर्मूला। तो साइन ए के जगह पे हो गया 60 + थीटा, माइनस बी के जगह पे हो गया 15 + थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन 45 डिग्री, मतलब 1/√2। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। x प्लस वाई प्लस जेड इतना दिया हुआ है, एक्स वाई वाई जेड इतना दिया हुआ है, x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते ही हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 × xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये 14 है इसका वैल्यू, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ये हमें फाइंड करना है, और ये तो हमें 0 दिया हुआ है, ये तो 0 ही हो गया, तो इसका वैल्यू हमें क्या आ गया 196, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। देर आर टू वर्टिकल पोस्ट वन ऑफ ईच साइड ऑफ द रोड, देखो दो वर्टिकल पोस्ट है दोनों अलग साइड जस्ट अपोजिट ईच अदर, वन पोस्ट इज 108 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोस्ट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर पोस्ट इज 1360 डिग्री। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देने का मतलब ये हो गया कि एक जो मतलब टावर है वो बड़ा है, दूसरा टावर क्या है छोटा है, तो एक को छोटा बनाएंगे को बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा रोड हो गया, मतलब धरती हो गया, इसका हाइट हमें 108 दिया हुआ है, यहाँ से जब इसके टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 बन रहा है, ये 30 तो ये भी 30, उसी तरह जब इसके बॉटम को देखा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन रहा था, तो इधर अगर 60 होगा तो इधर भी क्या होगा 60 डिग्री, राइट। अब पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द अदर पोस्ट, मतलब ये हाइट हमें फाइंड करना है, ये एच, ठीक है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ए बी यहाँ सी ले लो, यहाँ पे डी यहाँ पे ई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे, ध्यान से आप देख लो ए बी सी कहाँ पे है, ए बी सी। तो ये 60 डिग्री होने का मतलब मैंने एक बार आपको किसी वीडियो में बताया होगा, अगर ये 60 डिग्री होता है ना तो रेशियो हम लोग तो रूट थ्री वन और टू लेते हैं, मतलब ये वैल्यू रूट थ्री होता है, तो रूट थ्री यूनिट जो है 108 के बराबर है, तो वन यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 108/√3, तो ये जो नीचे बी सी आ गया 108/√3 हो गया। अगर बी सी 108/√3 है तो डी ई भी कितना होगा, डी ई देखो डी ई कहाँ है यहाँ पे, इसका वैल्यू भी 108/√3 होगा। अब हम लोग ट्रेंगल देखेंगे ए डी ई में, देखो ए डी ई कहाँ है, यहाँ पे ए डी ई, तो ए डी ई हमारा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और ये एंगल 30 है, 30 डिग्री जब होता है तो साइड का रेशियो होता है 1√32, मतलब ये जो नीचे वाला होता है रूट थ्री होता है, और नीचे वाला का वैल्यू कितना दिया है 108/√3 दिया हुआ है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 108/√3 × √3, मतलब नीचे 3 आ गया, इसको कैंसिल करोगे 36 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला जो वैल्यू आ गया 36 हो गया, मतलब AD का वैल्यू कितना आ गया 36। अब ये पूरा 108 है, उसमें से AD हमारा 36 है, तो नीचे वाला कितना होगा 72, 36 गुना 72, 36 थे 108। तो अगर BD 72 है तो HB कितना हो जाएगा 72। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हम लोग। द प्रेजेंट एज ऑफ पीहू इज 3/7 टाइम ऑफ हिज हर फादर्स एज। तो पीहू का पी ले लेते हैं, फादर का एफ ले लेते हैं, इन दोनों का परसेंटेज का रेशियो में दिया हुआ है 3:7, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर सिक्स इयर्स के बाद पीहूज एज बिकम हाफ ऑफ द एज ऑफ हर फादर, मतलब 6 साल के बाद पीहू और उसके पिता की एज का रेशियो 1:2 हो जाएगा। हाफ मतलब बाप दोगुना एज का है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूछा है पीहू का परसेंटेज, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे ना कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ का डिफरेंस देखो तो कितना है 1 है। तो पहले इन दोनों डिफरेंस को सेम करेंगे, इसको सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 4। अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। अब इसका डिफरेंस भी 4 है और इसका डिफरेंस भी 4 है, तो इसका डिफरेंस निकालो 1 है, इसका भी डिफरेंस निकालो 1 है, ये इक्वल आ गया। यही 1 जो है 6 साल के बराबर है, ये 6 साल, ठीक है। इसका मतलब पीहू का परसेंटेज कितना है 3 यूनिट, तो 36 का 18। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंट एक्स इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड STUV इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। चलो इसको मैं पहले एक सर्किल लेता हूं। यहां पे लेता हूं, ठीक है। एक्स जो है हमारा सेंटर है एंड STUV इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। मैं यहां पे ले लेता हूं, ये मैंने लिया STUV, ये हमारा U है, ठीक है। इफ साइड SV इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट W सच दैट VW इज इक्वल टू VU, VU हमारा ये है, इतना ही हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, ठीक है। चलो ये दोनों आपस में बराबर हो गया और ये पॉइंट हमारा W हो गया, ठीक है, क्लियर। एंड STU ये एंगल कितना दिया हुआ 92 डिग्री, एंड TSB ये एंगल कितना दिया है 74 डिग्री रिस्पेक्टिव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ TUW, इसको इसे मिला दिया गया, मतलब ये पूरे एंगल का हमें वैल्यू निकालना है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम पूछा गया है। इजी ही है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एंगल हमारा TUB जो होगा 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री होगा, ये हो गया 106 डिग्री, ठीक है। ये हमें मालूम चल गया 106 डिग्री। अब ये निकालना है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे पहले। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। जैसे मान लो ये सर्किल है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। किसी भी एक साइड को बढ़ाने पे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, वो अपोजिट इंटर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। ये 92 है तो ये भी 92 है, और ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल अगर 92 है तो बाकी जो बचा हुआ दो एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको दो से डिवाइड दे देंगे, तो एंगल हम लोग VUW कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 92 बाय 2, मतलब हो गया 8 और 17 में से हो गया 8/2, मतलब हो गया 44 डिग्री। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ इसको तो हमें ये पूरा एंगल निकल जाएगा जो रिक्वायर्ड एंगल है, दोनों को जोड़ोगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। फिनिश, नेक्स्ट पे चलते हम लोग। दिनेश एंड कार्तिक टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 44 डेज। दिनेश और कार्तिक दोनों मिलके 44 दिन में काम कर सकता है, एंड दिनेश अकेला जो है वो 55 दिन में काम कर सकता है। तो एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 11 गुना 4 है और 11 गुना 5 है, तो कॉमन तो 11 हो गया, 5 चुके 20, मतलब 220 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो इफिशियंसी कितना होगा, 44 × 5 = 220, अब 55 × 4 = 220। तो कार्तिक का अगर इफिशियंसी निकालेंगे तो घटा देंगे, तो कार्तिक का इफिशियंसी आ गया 1 हमारा। इन हाउ मेनी डेज कार्तिक अलोन कैन फिनिश द वर्क, अकेला अगर वर्क करना चाहेगा तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी हमारा हो गया नंबर ऑफ डेज 220 दिन। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। एक सेकेंड, ठीक है। 14 हो गया ना, नहीं हुआ था, ठीक है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? कॉस 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई? रूट 3/2. तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस sec 45 होता है हमारा रूट टू का स्क्वायर होता है 2. टेन 60 की रूट थ्री का स्क्वायर होता है 3 माइनस कॉसेक 30. साइन 30 होता है हमारा 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4. तो 3, 2, 5 में से 4 गया 1. 1 इंटीजर 3/4. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. बिनी बाउट एन आइटम इन ए सेल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस. ही सोल्ड इट फॉर एन अमाउंट ऑफ 25% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस. व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिड ही मेक? तो ओरिजिनल प्राइस हम लोग 100 मान ले. ये ओरिजिनल प्राइस जो दिया है उसको 100 मान लेते हैं. 100 के सामान को उसने खरीदा कितना? 85 में खरीदा और बेचा कितना? 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ज्यादा से 125 में. तो ये SP हो गया और ये हमारा CP हो गया. काट भी सकते हो 5 से 17, 5 से 25. तो डिफरेंस कितना है? प्रॉफिट कितना हो गया? 17, 5, 3, 8. 8 का प्रॉफिट हो गया. नीचे CP होगा इंटू 100. 800/17 डिवाइड दे दो भाई. 17 चौके 68, 2 और 1, 17 सते 119. 47 point something आएगा. तो पहला ही होगा. पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years इज 3200 and 3280 respectively. देखो इसको हम लोग बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा दिमाग लगाए हुए. 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 3200 है तो हर एक 2 साल का कितना कितना हो जाएगा? 1600 and 1600. कोई दिक्कत? मान लो ये प्रिंसिपल है हमारा, नहीं पता है कितना है. ट्री मेथड से यूज करते हैं, ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 1600 आया, दूसरे साल का भी कितना आया? 1600. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहले साल का तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही आ जाएगा. सिंपल और कंपाउंड दोनों सेम रहेगा ट्री मेथड से. दूसरे साल का जो हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल पहले इसका पी पर प्रिंसिपल पे कितना लगा इंटरेस्ट वो निकालते हैं, फिर इससे इस पे जो है वही परसेंटेज निकाल के यहाँ पे लिखते हैं. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ना, 1600 and 3200 तो हो गया, बचा हुआ कितना एक्स्ट्रा 80 है ना. तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा 80 हो जाएगा, ठीक है. तो रेट परसेंट मान लेते हैं आर. अच्छा यहाँ पे जो भी हम लोग लिखते हैं वो किसका परसेंटेज होता है? इसी का, ये वाला पार्ट का आर परसेंट होता है, राइट. तो 1600 का अगर हम लोग आर परसेंट निकालते हैं तो वो हमारा 80. 00 कट गया, 16 × 5 = 80. रेट परसेंट मालूम चल गया 5%. अब रेट परसेंट जब मालूम पड़ गया तो देखो यहाँ पे हमारा 1600 है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है. इसी प्रिंसिपल का ये आर परसेंट जो है ना वो 1600 है. तो प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, आर हमें मालूम चल गया 5%, और ये हमें मालूम है 1600. 5 से कट गया 20 बार में, तो प्रिंसिपल हो गया 16 × 2 = 32000. क्लियर? तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. अ कंटेनर कंटेन्स 240 लीटर ऑफ प्योर मिल्क. इफ 12 लीटर ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड रिप्लेस्ड 2 more times. तो टोटल 3 बार रिप्लेस हो रहा है. कितने बार रिप्लेस हो रहा है? 3. देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर. सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, मिल्क का अमाउंट निकाल लेंगे और टोटल में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वाटर का अमाउंट. तो इसका फॉर्मूला होता है एक तरह से वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, फाइनल अमाउंट निकालने के लिए. तो फाइनल अमाउंट जो निकलेगा वो हो जाएगा इनिशियल अमाउंट इंटू 1 माइनस एक बार में जो अमाउंट निकाला जा रहा है वो डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट पावर में नंबर ऑफ टाइम्स 3 बार. तो ये जो भी हमारा निकलेगा ये हमारा क्या आ जाएगा? मिल्क का अमाउंट आ जाएगा जो बचा हुआ है, क्योंकि हम बार बार मिल्क को निकाल रहे हैं, ठीक है. मतलब पहली बार मिल्क को निकाल रहे हैं, फिर मिक्सचर को निकाल रहे हैं, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने पर अगर मैं देखूँ, 40 देखो ये कट जाएगा 12 × 20 बार में, ऊपर बच गया एक, तो ये हो गया 19/20 का whole cube. कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखिए. 240 19 का क्यू है ना, 19 का स्क्वायर 361 × 19 लिख देंगे, और यहाँ 400 × 20 लिख सकते हैं. कैंसिल करते हैं इसे, 0 0 कट गया, 2 से ये 12 बार में कट गया, 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 100 बार में. ऊपर आ गया देखो 361 × 19 = 57. तो गुना करेंगे 361 × 57 को और डिवाइड दे देंगे 100 से. यहाँ भी पॉइंट दे सकते हो, लास्ट में डबल पॉइंट दे देंगे. 7 × 7 = 742 2 × 4 = 25 5 × 5 = 6 × 6 = 15 8 × 8 = 15 7 × 7 = 5 0 इतना. सॉरी कहीं गलती हुआ ना, 361 × 57 7 × 7 = 742 2 × 4 7 × 1 = 4 25
पचका पांच, छह पंचे तीस के सुन्ना, बाकी तीन, पांच तिया पंद्रह, तीन अठारह, ठीक है, सात पांच दो सात, पांच आठ दो सुन्ना, बाकी एक दो, तो 205.77 ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ मिल्क, अमाउंट ऑफ क्या मिल्क, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, पूछा क्यों है अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 240 में से अगर मैं 205.77 घटाऊं, तीन दो नौ में से पांच गया, चार और तीस 34.23 आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। The length and width of a rectangle is इतना इतना, तो L minus W दिया है 10, and the perimeter of rectangle is 20. Perimeter अगर 40 है, तो semi-perimeter कितना होगा? 20. Semi-perimeter होता है L plus W. ये 20. हमें निकालना है W का वैल्यू, तो घटा देंगे इसे, क्या करेंगे? घटा देंगे. L से L कट गया, यहाँ हो गया minus 2W, यहाँ हो गया minus, sorry, minus 10. तो W बराबर हो गया हमारा 5. Next पे चलते हैं हम लोग। Find the remainder when इतना is divided by 64. देखो अगर मैं इसको 64 से डिवाइड देता हूँ, तो सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे तो माइनस वन के पावर 63 आ जाएगा और यहाँ माइनस वन आ जाएगा, तो फाइनल रिमाइंडर हो गया हमारा माइनस टू, माइनस टू का मतलब हो गया 64 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा 62, ठीक है, दो घट जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। बाय सेलिंग 173 पेंसिल्स, अ शॉपकीपर गेन्स सीपी ऑफ 30 पेंसिल, तो सीपी ऑफ हर एक पेंसिल का सीपी हम लोग 1 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है, 1 रुपी मानते हैं हर एक का सीपी, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 13 रुपया, सीपी हो गया हमारा 173 रुपया, ठीक है, तो गेन परसेंट निकालना है, तो गेन, एक सेकेंड, हाँ, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो यही हमारा इतना परसेंट आ जाएगा गेन परसेंट, तो डिवाइड दे देंगे 1300 और 173, 1719, सात बार में तो लग ही जाएगा क्योंकि सभी जगह 7 भी है, सात से लगाएंगे, सात दिया 21 के बाकी दो, 1719 दो 121, अच्छा एक ही बार में लग रहा है ठीक है, तो 10 में से एक गया 9 हो गया, 9 में से एक गया 8 हो गया, इधर तो कट ही जाएगा, पॉइंट आ गया, जीरो आ गया, 17 6 68 17 25 85 17 6 102 7.5 के आसपास आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। अ पर्सन ए कवर्स सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 2s किलोमीटर इन टी आवर्स, पीपल पर्सन बी कवर्स s बाय 4 किलोमीटर इन 1.5 टी आवर्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहला हो गया 2s अपॉन टी, दूसरा हो गया s अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 1.5 टी, वो टी से टी कट जाएगा, एस से एस कट गया, और ये हो गया 15 चौके 60, मतलब 6 हो जाएगा, 6 दुना 12, 12 अनुपात 1। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। कंसिडर फ्लोइंग फिगर, ए एंड बी आर द सेंटर्स, ए और बी सेंटर है, ए इसका सेंटर है भाई, बी इसका सेंटर है, अच्छा ये सेंटर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए एम रेडियस हो जाएगा ना ये वाला, देखो, एंड बी एम, बी एम इस ट्रेंगल का रेडियस, ये दोनों बराबर दिया हुआ, दोनों 11 11 दिया हुआ, फाइंड एम एन, एम एन निकालने के पहले हम लोग ए बी को निकालते हैं, ठीक है, ए बी मिलाते हैं, ए बी को जैसे मैंने मिलाया, तो ए बी अगर ध्यान से देखोगे ना, तो वो इस ट्रेंगल का भी रेडियस है और इस ट्रेंगल का भी रेडियस है, दोनों रेडियस 11 है, तो तीनों साइड हमारा 11 11 11 आ गया, इट मीन्स ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्रेंगल का ये इसको हम ओ लेते हैं, तो एम ओ जो होगा ना वो हाइट होगा, तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, और उसका दुगुना जो हम लोग करेंगे तो एम एन आ जाएगा, तो इसको 2 से गुना कर दो तो एम एन आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 11√3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इतना इतना इतना, तो 10 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, कितना आ जाएगा 60, 10 6 60, 12 5 60, 6 2 60, ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 2 डेज, तो 6 5 11 11 10 21 और 21 हो गया कंबाइंड इफिशियंसी, और 2 दिन गुना काम किया तो 21 गुना 42 वर्क हो गया, 42 वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो लेफ्ट वर्क कितना बचा, घटा देंगे, लेफ्ट वर्क जो होगा हमारा 18 होगा, इस 18 काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो सी का इफिशियंसी कितना है भाई, सी का इफिशियंसी है 10, अगर 10 से मैं डिवाइड दे दूँ वर्क बटे इफिशियंसी, हमारा डी आ जाएगा 10 एकम 10, अच्छा 2 से पहले काट दो, 2 5 10, 2 9 18, तो 5 का 5 4, 1 पूर्णांक 4/5 का है, बी ऑप्शन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए टू द एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी, दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:1,
एंड टुगेदर दे कैन फिनिश द टैंक फिल द टैंक इन 10.5 घंटा। 10.5 घंटा मतलब कितना होता है, 21/2 लिख सकते हैं ना, ये टाइम हो गया हमारा। और इफिशियंसी कितना हो गया कंबाइंड, 4 हमारा इफिशियंसी हो गया। तो इफिशियंसी एंड टाइम को, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वर्क आ जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 42 लीटर का कैपेसिटी मान लो अब टैंक का, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिल द एम्प्टी टैंक, ए का एफिशिएंसी कितना है 3। तो टोटल हमारा जो कैपेसिटी है या वर्क मान लो उसको एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा, 14 घंटा लगेगा ए को भरने में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इफ 2/3 ऑफ 25% ऑफ मार्बल्स फ्रॉम जार सी हमारा ये है, इसका सेंट्रल एंगल जो दिया हुआ है 48 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसका मैं 2/3 निकालूंगा और इसी का 25% 1/4 निकालूंगा, तो 4 × 12 = 48 मतलब 8 डिग्री हो गया। तो 48 में से 8 डिग्री जो उठा के हम लोग जार ई में पुट कर देंगे, तो जार ई पहले से 72 डिग्री है, उसमें 8 डिग्री और पुट कर दिए, तो 72 × 8 कितना हो गया 80 डिग्री। ई का अब सेंट्रल एंगल कितना हो गया 80 डिग्री। तो पूछा है देन डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार डी एंड जार ई बिकम्स, तो जार डी का 96% है और जार ई में 80% है, 80 डिग्री है, सॉरी डिग्री दोनों में घट के कितना हो गया 16 डिग्री। तो 16 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 16/360 और टोटल का है कितना है 4680, 1060 कट गया, 4 × 16 = 36, 9 से इसको काट दो, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 4 × 2 = 8, 5 × 5 = 208, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हम लोग। देखो टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड बाय शॉपकीपर, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, तो ब्लू वाला हमारा पेन है ध्यान रखना और ये वाला जो हमारा पेंसिल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड बाय शॉपकीपर इन मंथ्स ऑफ जून एंड अगस्त इज 2885, जून एंड अगस्त, जून यहाँ है हमारा, अगस्त यहाँ है, सबको जोड़ देना है, 2885 आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 800 उधर हो गया, फिर 800 दो बार है, तो 1600 तो यही हो गया, 800 देखो यहाँ 800 दोनों डॉट 800 पे है ना, फिर यहाँ पे है 260 और यहाँ पे हमारा 1225, ऐड करते हैं 5 × 6 = 2 = 8, 8 × 8 = 16, 16 × 4 = 20 के सुनना, बाकी 2 × 1 = 3, ठीक है ना, ये 260 ही था ना भाई, 260 ठीक है, 1225 भी ठीक है, 800 ठीक है, 8 × 8 = 16, 4 × 20 सुनना, बाकी 2 × 2 = 1 = 3, 3 × 0 = 8 = 5, ये 2 × 8 = 5 है। तो इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड इन मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में, दिसंबर यहाँ है, दिसंबर में टोटल नंबर ऑफ पेंस ब्लू वाला था 850 एंड टोटल डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेंस सोल्ड इन मंथ ऑफ दिसंबर एंड टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर यहाँ है, इसमें पेंसिल हो गया हमारा कितना भाई 1600, इन दोनों का डिफरेंस हमें 950 पूछा है, 0, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 750 है, यहाँ 950 दिया, ये भी रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, इसे आप लोग सॉल्व कर लेना यार, -240 - 200 - -4 × 800, तो ये हो गया -440 घटा दो 10 में से 4 गया 6 = 360 आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।